दोस्तों बॉलीवुड के दो एक्शन किंग, एक्शन का बाप भी कह सकते हैं, क्योंकि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ भाई, इन दोनों की कॉम्बो के साथ एक मूवी आ रही है बड़े मियां छोटे मियां, जिसकी हाइप भाई साहब 3 महीने बाद ये मूवी रिलीज होगी ईद पर, और हाइप अभी से बहुत फाड़ के चल रही, जबकि अभी लाइन पर फाइटर लगी है और भी मूवीज लगी है, उनका इतना कोई बोलबाला नहीं देखने को मिला जितना बड़े मियां छोटे मियां का देखने को मिला। भाई साहब फैंस जो है अक्षय कुमार के एक एक्शन ब्लास्टर मूवी के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि अक्षय कुमार के कल का कमबैक डाई हार्ड फैन चाहते हैं। यस, ओएमजी 2 से उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी कि अक्षय पाजी का यहां से सॉलिड कमबैक होगा, लेकिन भाई साहब नहीं हो पाया क्लैश कारण। लेकिन बड़े मियां छोटे मियां भाई साहब ये खरी उतरने वाली है, क्योंकि इसके लिए फैंस दिल से और वादी में वेट कर रहे हैं। क्या बिगेस्ट एक्शन पैक्ड मूवी या ब्लॉकबस्टर ब्लास्टर हो सकती है ये मूवी, ये आगे देखेंगे, क्योंकि टीजर को सर्टिफिकेशन मिल चुका है, टीजर को क्लीन चिट मिल गई है, अभी सारी चीज़ों पर बात करेंगे। उसके बाद फर्स्ट रिव्यू भी आउट हो चुका है एक मोस्ट क्रिटिक्स पर्सन के द्वारा, जो वाकई में अच्छे रिव्यू देते ही देते हैं, तो वो भी देखेंगे इसके लिए। उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक न हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो भाई साहब टीजर को क्लीन चिट मिल गई है, US सर्टिफिकेशन मिल गया है, टीजर की लेंथ है 1 मिनट 41 सेकंड, एंड टीजर कब रिलीज हो रहा है भाई, ये बड़ी मुद्दे की बात है, क्योंकि इसके लिए रोज कुछ ना कुछ अपडेट आती थी, जनता रोज आंखें गड़ाए बैठे रहती थी कि भाई हमें बस पता चल जाए कि टीजर कब आने वाला है। 24 जनवरी, यस 24 जनवरी को टीजर आ जाएगा और फट जाएगा, और किस तरीके से फटेगा भाई वो देखने लायक होगा, क्योंकि जस्ट एक दिन बाद फाइटर मूवी रिलीज होने वाली है, और उससे एक दिन पहले भाई ये बॉलीवुड ऋतिक रोशन अक्षय पाजी, ये बॉलीवुड के दो ऐसे सुपरस्टार हैं जो खान के बाद या फिर खान से पहले भी कह सकते हैं, नाम भाई चमकता है इनका, कितना चमकेगा भाई वो तो 24 जनवरी को पता चल जाएगा इनके फर्स्ट टीजर से। क्योंकि लिटरली बताऊं तो भाई साहब बड़े मियां छोटे मियां के लिए मैं बहुत एक्साइटमेंट है, मेरा ही बहुत एक्साइटमेंट है कि ये टीजर आए, पता तो चले आखिर मूवी में मिलने क्या वाला है, किस लेवल का हमें एक्शन देखने को मिलने वाला है। बाकी कोमल नेहता अगर मैं आपको बताऊं तो फिल्म ट्रेड एनालिस्ट हैं, एडिटर हैं, होस्ट ऑफ ETC बॉलीवुड हैं, जिन्होंने बड़े मियां छोटे मियां के टीजर को देख लिया है और उन्होंने रिव्यू आउट किया है, और पॉजिटिव रिव्यू आउट किया है कि सॉ द एब्सोल्युटली एक्जिलरेटिंग टीजर ऑफ बड़े मियां छोटे मियां, वो कांट वेट टू वॉच द अक्षय एंड टाइगर स्टारर अली अब्बास जफर जो डायरेक्टर हैं, वासु बगनानी एंड हिमांशु मेहरा हैव अ मेजर विनर ऑन देयर हैंड्स, ये भाई प्रोड्यूसर्स हैं। दिस ईद इज गोना बी बाउंटीफुल फॉर द बॉक्स ऑफिस। तो ये सब अक्सर ईद में हमें खान्स का जलवा देखने को मिलता है, लाइक अधिकतर हमें सलमान खान ही ईद पर आते देखते हैं, जो ईद ही लेकर आते हैं, लेकिन इस बार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ हमें ईदी देने आ रहे हैं ईद पे, तो किस हिसाब की ईदी ये देने वाले हैं, आप लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन है भाई, मैं लिटरली वेट कर रहा हूँ कि ईद पर ये मूवी फाड़ के जाएगी। लेकिन उससे पहले टीजर में हमें क्या मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ से उम्मीद लग जाएगा कि भाई क्या क्या हमें मिलने वाला है, किस हिसाब का ये ब्लास्ट बॉम्ब फोड़ने वाले हैं, किस हिसाब का बॉम्बास्टिंग होने वाले हैं, ये आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स, और मैं तो एक्साइटमेंट मेरा तो है ही है। दूसरा भाई साहब ऐसा नहीं है कि इस मूवी के लिए बहुत सी हेट फैलाई जा रही, इतनी हेट भी नहीं, वो तो नॉर्मली छोटी मोटी हेट तो चलती रहती है, कि न्यूट्रल ऑडियंस एंड क्रिटिक्स एंड फैंस भी इसके लिए वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको पॉजिटिव रिव्यू दे रहे हैं। आप लोगों का क्या कहना है भाई, आप लोग कितना वेट कर रहे हैं 24 जनवरी के लिए, क्योंकि टीजर फट जाएगा, ये आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर, और यहाँ तक पहुँच गए हो तो एक लाइक भी कर दो यार, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते अगली वीडियो में, चाहिए।